हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर्तो। वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ सैम बहादुर मूवी के बारे में बात करूंगा। ये मूवी इंडिया के एक लौटे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक है। तो उनकी जो आपका कर्म जीवन है, आप कह सकते हैं उनकी जो वर्किंग पीरियड है 1934 से 1972 के वक्त, ये जो वर्किंग टेरिटरी है ये इस फिल्म में दिखाया गया। उसके साथ उनकी जो थोड़ा जिंदगी दिखाया गया, ऐसा कुछ ज्यादा दिखाया नहीं गया। देखिए, ये मूवी की बात सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मूवी जैसे आपका बॉलीवुड जो हिंदी में मतलब फिल्म इंडस्ट्री, उसमें जिस प्रकार से आपका पेट्रियोटिक मूवी या आर्मी के ऊपर जो मूवी बनता है उसमें जिस प्रकार से आपका पेट्रियोटिक कुछ ज्यादा रहता है, इमोशन बहुत ज्यादा रहता है, उस प्रकार के ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि देखिए, ये तो एक इंसान का जिंदगी है, तो उनकी जिंदगी जिस तरह से बिता, उन्होंने जो उस तरह से काम किया है देश के लिए, अपने आप कह सकते हैं उनकी जो वक्त है उसको निछावर किया, उन्होंने जिस तरह से डिसिप्लिन के साथ आर्मी के लाइफ स्टाइल जिया है, आर्मी के साथ उनकी जो निष्ठा के साथ उनके जो काम किया, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा इमोशनल डायलॉग है, कुछ पेट्रियोटिक आपका सिचुएशन है या सीन है, ऐसा कुछ भी इस फिल्म में बिल्कुल आपको नहीं मिल रहा है। ये फिल्म आप कह सकते हैं क्लास के लिए, नॉट फॉर मास। एक्चुअली जैसे बॉर्डर आप देखेंगे वहां पे तो कई सारे ऐसे इमोशनल सीन है, यहाँ पे बिल्कुल उस प्रकार का इमोशनल सीन नहीं है। और आपका फील्ड सीन मतलब जो एक्शन सीन कह सकते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ फील्ड में जाकर आपके साथ एक्शन मतलब फेस टू फेस एक्शन, सिर्फ आपका जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें आपका रेंगून को बचाने के लिए जापान के साथ वहां पे उन्होंने फील्ड में गया था, फील्ड में हर जगह पे गया था, लेकिन आप कह सकते हैं हैंड टू हैंड एक्शन किया था वहां पे, उनको नए आपका 9 गोली लगा था, वो भी यहाँ पे दिखाया गया। और बाकी जगह पे उन्होंने कह सकते प्लान बनाया है, क्योंकि ऑफिसर रैंक के थे तो उन्होंने प्लान बनाया किस तरह से वार आप कह सकते लड़ा जाएगा 1965 में, आपका 62 में, 62 में निकलेंगे, 65 में, 71 में, सारे जगह पे यहाँ पे उन्होंने जो प्लान बनाया, उनकी जो इंटेलिजेंट है वो किस तरह से सारे चीज को सारे प्लान को एग्जीक्यूट करते थे। यहाँ पे एक सीन है कि वो 1971 में जब पाकिस्तान इंडिया को अटैक किया था, उन्होंने पहले से ही दिखाया गया कि इंदिरा गांधी को बता दिया था कि इस दिन पाकिस्तान अटैक करने वाले, मतलब उनकी उनकी सोच इतने आगे थे, वो पहले से ही पता चल जाता था उनकी आगे क्या होने वाला है। तो उनकी जो इंटेलिजेंस है उनके साथ दर्शक आप कह सकते एंगेज हो जाएंगे कि भाई ये कितना टैलेंटेड इंडियन। लेकिन हाँ, जैसे मैं कह रहा हूं इस फिल्म में आपको पेट्रियोटिक जो भावना है वो ज्यादा जागरूक नहीं होगा। ये स्क्रिप्ट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये एक इंसान की पटकथा है, तो उस इंसान जिस प्रकार से उसी इस फिल्म में दिखाया गया, तो इसमें उस प्रकार पेट्रियोटिक भावना डायरेक्टर मेघना गुलजार ने डाला नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे डालने से क्या होता है ना, फिल्म कुछ और तरह चला जाता। और इसमें जो जो आप कह सकते पर्सनल लाइफ इसमें टच किया गया है, जरूर पर्सनल लाइफ उनकी दिखाया गया है, लेकिन उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं डाला गया कि आप लोगों को सिर्फ पर्सनल लाइफ ही देखते देखते आप कह सकते हैं उसमें खो जाए, ऐसा कुछ भी ऐसा ज्यादा बिल्कुल नहीं है। और स्क्रीन प्ले काफी टाइट है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा मुझे ढीला लगा, लेकिन स्लो नहीं है, ये अच्छी बात है कि ज्यादा स्लो नहीं है। सेकेंड हाफ बहुत ही अच्छा है और काफी डायलॉग भी अच्छा है, वन लाइनर अच्छा है। लेकिन हाँ, मैंने जैसे कहा कि सीटी मारने वाला, ताली मारने वाला शायद नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि डायलॉग सुन के आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे मैंने कहा, ये मूवी एक्चुअली मल्टीप्लेक्स के लिए बना है, तो इसलिए उन लोगों को काफी अच्छा लगा। हाँ, ये हो सकता है कि मास जो पीपल है उन लोगों को हाथ ताली मारने का या सीटी मारने का सिचुएशन और सीन यहाँ पे ज्यादा बिल्कुल नहीं है, कह सकते नहीं है। अब बात करते हैं एक्टिंग की, विकी कौशल ने 100 to 100 मिलेगा उनको एक्टिंग में। उन्होंने इसके पहले उरी में भी एक आर्मी का रोल किया था और यहाँ पे भी किया है, पता नहीं आर्मी का रोल करते हुए वो कुछ उनमें कुछ और आप कह सकते कुछ कुछ आत्मा उन पे आ जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लाजवाब काम किया, बिल्कुल सैम मानेकशॉ के कैरेक्टर की तरह काम किया है। जिस तरह से झुककर वो चलते थे, उनकी बात करने का ढंग, उनकी जो आप कह सकते जिस तरह से वो पॉलिटिशियन से बात कर रहे और घर में बात कर रहे, बिल्कुल अलग अलग एकदम मूड। उनकी जो घर में जो काम करते वो लोग, वो जब सैंडविच के अंदर की बारे में बात के सैंडविच के अंदर के जो चीज डालना है उसके, धीरे धीरे वो कह रहा था कि एक दिन धीरे धीरे नहीं मिल जाएगा, तो किस तरह से उनकी जो एटीट्यूड है अलग जगह पे अलग अलग टाइप का, वो बहुत बेहतरीन काम किया है। फतेमा साना से किया पे इंदिरा गांधी का रोल किया है, उन्होंने भी ठीक ठाक किया है। और आपका सानिया मल्होत्रा उनकी वाइफ का काम किया है, वाइफ का रोल किया है वो भी ठीक है।
और यहीया खान का रोल किया है आपका मोहम्मद जिशान आयुब, वो रोल छोटा है लेकिन ठीक ठाक है। एक्टिंग वाइज जिन्होंने जो भी और भी कई सारे कलाकार है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। इस फिल्म का बीजीएम भी ठीक ठाक है, सॉन्ग मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा सॉन्ग यहाँ पे ज्यादा है भी नहीं, जरूरत भी नहीं था। 2 घंटा 20 मिनट या 20 मिनट के आसपास फिल्म है, नो डाउट फिल्म की जो रनिंग लेंथ है ठीक ठाक है नो डाउट, लेकिन एंडिंग जिस प्रकार से हुआ शायद कह सकते कि ऑडियंस उसने उस प्रकार से एक्सपेक्टेशन नहीं किया, सोचा हुआ कुछ फाइट फाइट होने वाला ऐसा कुछ इंसान के दिमाग में चल सकता है। जैसे मैंने कहा कि हिंदी फिल्मों में पेट्रियोटिक कुछ अलग ढंग से दिखाया जाता है, यहाँ पे उस प्रकार से है नहीं, तो ये अच्छी बात है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को मुझे लगता है कि 1 दिसंबर एनिमल के साथ रिलीज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एनिमल का हाइप इतना ज्यादा है और नेचुरली क्लैश होने पर भी लोगों के साथ एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है और यही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस में इफेक्ट कर रहा है। ये मूवी अगर जनवरी में रिलीज होता, जनवरी के स्टार्टिंग में, तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा देता। मुझे लगता है कि 100 करोड़ से ऊपर था, आसानी से कलेक्शन कर लेता। ये मूवी काफी अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मूवी आपका क्लास के लिए मास के लिए नहीं है, और ये मूवी का सब कुछ ठीक ठाक है नो डाउट। ये मैंने जैसे कहा कि ताली मारने वाला सीटी मारने वाला शायद कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन इसको अच्छी मेकिंग किया गया है, एक्टिंग बीजीएम सब कुछ बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ एक्शन सीन आप कह सकते जो वार का जो सीन है वो ज्यादा कुछ नहीं है, और इसीलिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने सैम बहादुर मूवी देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।